हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र है उसका मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ। देखिए, ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के मॉडल पेपर में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ वो सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छांट करके ही मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को देखिए, मिस स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस कर देंगे। और जैसा स्टूडेंट्स, आपको एक और भी बात बता दूं कि सोशियोलॉजी का जो आपका सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर में, वो पूरा मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ऑल यूनिट्स यानी 8 यूनिट तक पूरा मेरे चैनल पर कवर हो चुका है, पूरी यूनिट कम्प्लीट हो चुकी है। तो आइए आपका मॉडल पेपर देखते हैं। तो देखिए, आपके खंड अ में आपको दिया जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें ही बताऊंगी। अब देखिए, पहला है जातिवाद क्या है, इसे तो आप एकदम रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा ही। उसके बाद संयुक्त परिवार से क्या अभिप्राय है, ये भी आएगा, और ये भी मैंने करा रखा है, ये भी करा रखा है। अब देखिए, जनसंख्या विस्फोट क्या है, आपके सिलेबस में एक यूनिट है जनसंख्या से रिलेटेड, वो पूरी मैंने पढ़ा दी है, आप उसको पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है। नगर से क्या आशय है, ये तो आपके स्टार्ट के ही यूनिट में है आपके सिलेबस में, ये भी कवर हो चुका है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है और यूनिट्स कम्प्लीट हो चुकी है। अब देखिए, जनजाति से क्या आशय है, इस रेस में बार बार नहीं कहूंगी कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक बार कह दिया इम्पोर्टेंट है सो इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में दिए जाते हैं। अब देखिए, धर्म का अर्थ बताइए कि धर्म क्या होता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम के लेखक कौन है। देखिए, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, पुस्तकों के लेखक के नाम जरूर आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गांव की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ये भी आपके अति लघु का इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सांप्रदायिकता, उसके बाद है विवाह, उसके बाद है जाति। देखिए, 12 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, आपके पेपर में पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, तो यहाँ से आपको 50 से 60% वेरी शॉर्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखिए, आ जाते हैं आपके खंड ब में। खंड ब होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके पेपर में दिया जाता है इसमें 8 प्रश्न, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। तो कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के, अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो आपका सेक्शन भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो एकल परिवार है और संयुक्त परिवार है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये जरूर पूछा जाता है। उसके बाद, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, समझाइए। अब ये स्टेटमेंट आपको पूरा समझाकर लिखना होगा 200 शब्दों में। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। भारत में ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये बढ़ती जो जनसंख्या है, उसके लिए उत्तरदायी कारकों को बताना है कि क्यों ये जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। और देखिए, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ सभी का उत्तर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपकी सभी यूनिट्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये सभी क्वेश्चंस आपके यूनिट्स के ही हैं। और मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लेलिस्ट को ओपन करके देख लीजिएगा, हर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न का उत्तर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद है, भारत में मध्यम वर्ग के उद्भव को समझाइए, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, भारत में जातिवाद पर एक निबंध लिखिए। देखिए, जातिवाद क्या होता है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा आपको 200 शब्दों में इस पर निबंध किस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए, भारत में संप्रदायवाद की उभरती प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये भी जरूर आ जाता है। उसके बाद देखिए, ग्राम नगर संपर्क की अवधारणा का विवेचना कीजिए। देखिए, जो ग्राम यानी जो गांव है और जो नगर यानी जो शहर है, इन दोनों संपर्क जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये भी मैंने आपका पढ़ाया है।
तो देख लीजिएगा किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसकी अवधारणा की विवेचना आपसे करने के लिए कही जा सकती है और ये आपके दीर्घ में भी कहा जा सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा लंबा ही तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, वर्णन कीजिए, तो ये भी प्रश्न आप देख लीजिएगा। उसके बाद है सामान्य धर्म तथा विशिष्ट धर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए धर्म के ये सब थोड़ा प्रकार हैं, जो सामान्य धर्म क्या है, विशिष्ट धर्म क्या है। धर्म वाला जब टॉपिक मैं करा रही थी तो ये सभी मैंने करा रखा है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके जो सिलेबस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो तो हम आपको बता देते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं इनको तैयार कहाँ से करना है, तो आपको सारे उत्तर चैनल पर मिल जाएंगे, आपको पूरा मिल रहा है, सिर्फ पढ़ना है, याद करना है, जाके एग्जाम देना है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा अच्छा मार्क्स लेकर आइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए हिंदू धर्म के प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, तो हिंदू धर्म के जो प्रमुख स्वरूप हैं स्टूडेंट्स उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, तो मैंने कहा है कि प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगी। तो देखिए मैंने आपके खंड ब के 10 प्रश्न बताए हैं, आप उन 10 को तैयार कर लीजिएगा। पेपर में तो 8 दिया जाता है और 5 करना होता है, तो 10 बता दिए हैं, 10 महत्वपूर्ण है तो देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए खंड स में, खंड स होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 के उत्तर आपको करने होते हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होता है। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और देखिए मैं आपको 6 प्रश्न बताऊंगी, ये 6-5 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, आपका लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा। देखिए पहला है संयुक्त परिवार की परिभाषा कीजिए, संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, संयुक्त परिवार पर भी वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भारत में स्त्रियों की कुछ समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी समटाइम पेपर में आ जाते हैं कि भारत में स्त्रियों की क्या समस्याएं हैं। उसके बाद देखिए नक्सलवाद क्या है, भारत में नक्सलवाद की समस्या तथा इसके कारणों की विवेचना कीजिए, नक्सलवाद की वीडियो भी अपलोड है। उसके बाद देखिए जातिवाद के दोष तथा जातिवाद समाप्त करने के उपाय बताइए, तो जातिवाद पर भी वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद सांप्रदायिकता का अर्थ तथा सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है और इस पर भी वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए, देखिए जनसंख्या सिद्धांत जरूर पूछा जाता है और माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो तो पूछा ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये भी मैं करा चुकी हूँ कि माल्थस का क्या जनसंख्या सिद्धांत है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आज के मॉडल पेपर में मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं बड़े महत्वपूर्ण है, आप इनको एकदम अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिए, आप अपने पेपर को 70% तो आपको यहीं से क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपने पेपर में और आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए आपके सेकेंड सेमेस्टर में और भी आपका जो अदर सब्जेक्ट है तो उसके भी मॉडल पेपर की वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा चैनल पर विजिट करके। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीए करते हैं तो आपके बीए के लिए ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।